अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद वलीद और वलीद वर्ड में आप सबको वेलकम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो दोस्तों, वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको सबसे पहले हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हासिल हो। सो चले चलते हम अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज का जो हमारी वीडियो बनाने का टॉपिक है इंतहाई इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हुज़ूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहाड़ों को सोना बना देने से इनकार। हुज़ूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरे रब ने मुझ पर ये पेश किया, यानी हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे रब ने मुझ पर ये पेश किया कि मेरे लिए मक्का के पहाड़ों को सोना बना दे। यानी एक दफ़ा हुज़ूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे रब ने मुझ पर ये पेश किया और फरमाया कि मेरे लिए अल्लाह ताला मक्का के तमाम पहाड़ों को सोना बना दे, यानी मक्का में जितने पहाड़ थे उनको सोने का बना दे। मतलब कि अल्लाह ताला ने हुज़ूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मक्का के तमाम पहाड़ों को सोने का बना दे, यानी मक्का के जितने पहाड़ थे और मक्का में जितने पहाड़ वाक़े थे उन तमाम पहाड़ों को सोने का बना दे। तो इस पर हुज़ूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह, मुझे तो ये पसंद है कि एक दिन पेट भर कर खाऊं। यानी हुज़ूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मेरे रब, मुझे तो ये बात पसंद है कि मैं एक दिन का खाना पेट भर के खाऊं, यानी एक दिन इतना खाऊं कि मेरा पेट भर जाए, तो दूसरे दिन भूखा रहूं, यानी दूसरे दिन कुछ भी ना खाऊं और मैं भूखा रहूं। यानी हुज़ूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब से अर्ज़ किया और फरमाया कि ए अल्लाह, मुझे तो ये बात सबसे पसंदीदा है और मुझे ये बात सबसे ज़्यादा पसंद है कि मैं एक दिन का खाना पेट भर के खाऊं, यानी मैं इतना खाऊं कि मेरा पेट भर जाए और दूसरे दिन का खाना ना खाऊं और दूसरे दिन भूखा रहूं, यानी दूसरे दिन कुछ भी ना खाऊं और भूखा रहूं, ताकि जब मुझे भूख लगे, यानी भूखा हूँ और भूख का एहसास हो, तो तुझे याद करूँ, और जब पेट भर जाए, यानी जब खाना खा लूँ, जब पेट भर के खाना खा लूँ, तो तेरा शुक्रगुजार हूँ और तेरा शुक्र अदा करूँ और तेरी तारीफ करूँ। ये इस ज़ात मुकद्दस का हाल है जिसका हम नाम ले तो इसकी उम्मती होने पर फ़ख्र करे और इसकी उम्मती होने पे हमें फ़ख्र महसूस हो, जिसकी हर बात हमारे लिए काबिल इत्तेबा है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपके इल्म में भी इजाफा हुआ होगा। सो दोस्तों, यकीनन आप लोगों के दिमाग में ये बात चल रही होगी कि काफ़ी दिन हो गए मैंने अभी तक कोई वीडियो पोस्ट नहीं की हुई है और काफ़ी टाइम बाद मैं ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। सो इसके पीछे रीज़न कुछ यूँ है कि एक्चुअली मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, यानी मेरे पेपर हो रहे थे और काफ़ी बिजी था, यानी टाइम ही नहीं मिल रहा था कि आप लोगों के लिए वीडियो बना लूँ और उसको अपलोड कर लूँ। सो अल्लाह के फजल करम से मेरे पेपर ख़त्म हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, मेरे पेपर काफ़ी अच्छे हुए हैं। सो इंशाल्लाह इसी तरह आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव इस्लामी कंटेंट की वीडियो बनाया करूँगा और आप लोगों को पसंद भी आएगी और इंशाल्लाह अब रेगुलरली अपलोड करूँगा। सो उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक ही काफ़ी पसंद आया होगा और आपके इल्म में भी इजाफा हुआ होगा। सो इजाज़त दीजिए अपने वलीद को, दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।